स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। नर्मदापुरम के तवानगर में इलाज से एक मजदूर की जान लेने वाले कथित झोला छाप डॉक्टर की जांच के दौरान लापरवाही बरती जा रही है। घटना के 25 दिन बाद भी स्वास्थ्य अमला जांच करने उक्त डॉक्टर के क्लिनिक नहीं पहुंचा है, जिससे मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। पुलिस की कार्यवाही विश्राम की स्थिति में है। स्वास्थ्य विभाग देरी होने की वजह त्यौहार पर अफसरों के व्यस्त होने का हवाला दे रहे हैं। वीएमओ डॉक्टर सपन कोयल का कहना है कि जांच में एसडीएम या उनके प्रतिनिधि का होना आवश्यक है, लेकिन त्योहारों की ड्यूटी और छुट्टियां होने से एसडीएम सर या उनके प्रतिनिधि का समय नहीं मिल पाया है, इसलिए जांच करने अभी तक नहीं जा पाए हैं। इधर इटारसी एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी का कहना है कि मुझे जाँच को लेकर डॉक्टर्स ने नहीं बताया है, मैं बीएमओ से बात जरूर करूंगा। आपको बता दें 12 अक्टूबर की रात को बलिराम नागवंशी की तबीयत बिगड़ गई थी। तब उसके बेटे विवेक नागवंशी ने बलिराम को तवा नगर के कथित डॉक्टर दीपक उर्फ छोटू यादव के पास लेकर आए थे। वहीं डॉक्टर दीपक यादव ने रात में इंजेक्शन लगाए। राहत मिलने पर पिता को घर लेकर जाया गया। 13 अक्टूबर की सुबह फिर इंजेक्शन लगाया गया। वहीं दोपहर 12 बजे अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का कथित आरोप है कि गलत इलाज के बाद तबियत बिगड़ी और मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मृत कायम कर पोस्टमार्टम कराया था। वहीं लोग अब पुलिस से इस मामले की जांच के लगातार सवाल उठा रहे हैं। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ से।